जय हिंद दोस्तों, एग्जाम के चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर के साथ। रेलवे ग्रुप डी का एक रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसे देखने के बाद शायद आपको राहुल गांधी का स्पीच कम पड़ जाए हंसने के लिए, लेकिन ये एक रिजल्ट पूरा अटेंडमेंट करेगा आपका। मैं आपके सामने एक रिजल्ट लेके हाजिर हूँ, ठीक है। पहला नमूना देखिए, ये बच्चा विपिन कुमार नॉर्मलाइज होने के बाद इसके मार्क्स 38 है और पीएफटी के लिए इसको नहीं बुलाया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वो बोर्ड भी आप याद रखिए, चंडीगढ़ बोर्ड का है, ठीक है। इसके बाद मैं चंडीगढ़ बोर्ड पे ही आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये चंडीगढ़ बोर्ड का ही दूसरा एक बच्चा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पीएफटी के लिए इसको बुलाया गया है। इसके मार्क्स देखे आपने, 109 मार्क, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स होते लेकिन इस बच्चे के 109 हो गए। चलो हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू हो और इसको भी पीएफटी के लिए बुलाया गया। अब इसके बाद एक और आगे लेके चलते हैं, ये देखिए, ये चंडीगढ़ जोन से ही है, 204 हैं और यस पीएफटी के लिए इसको बुलाया, यानी कि इस बच्चे ने 100 में से 204 नंबर प्राप्त किए। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 31 ये रहा, देखिए वहाँ उस बच्चे का 38 नंबर पे सिलेक्शन नहीं था और इस बच्चे का 31 नंबर पे सिलेक्शन है, रोहित यादव, यस। जबकि आप अहमदाबाद की जो मेरिट देखोगे शॉर्ट लिस्ट, अगर वो एससी भी है मान लेते हैं इसमें, हालांकि यादव लगा हुआ है बच्चा ओबीसी है, लेकिन अगर आप एससी भी मानोगे तो 50-54 से कम तो कहीं भी मेरिट नहीं थी। फिर 31 आने के बाद ये बच्चा कैसे सेलेक्ट हो गया पीएफटी के लिए, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ और नमूने अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जिन्हें सुन के आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, एक बच्चे ने 354 तक नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 354 नंबर तक भी हैं बच्चों के। एक बच्चा ये देखिए इससे भी बड़ा, 999 नंबर तक आए हुए हैं बच्चों के, ठीक है दोस्तों। तो सीधा सीधा आपको पता ही चल गया कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है ये, टेक्निकल इश्यू है क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया है दोबारा घोषित होगा, ये भाई भारत है, इंडिया का सिस्टम बहुत बेकार है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। इसलिए यहाँ तो बस इस सिस्टम को बनाने के लिए अगर आप जागरूक होना चाहते हो तो अपने कदम